हाथ करने के बाद भी घास काटने पे लगे हैं। पहाड़ों में असोज स्टार्ट होते ही मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं की मेहनत यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। फिर यहाँ से फिर ऐसे काटते हैं। काटने जायरली मेरे पारानी झूलेली ऐसे महिलाओं को सनियों काट दियो। बुजुर्ग है, अभी 80 साल की हैं। ये खाल है, देखो कितना खतरनाक। और ये रहा कंडी। दोबारा माँ जी गाय लेके आने वाली। हमारी गौशा देख रहे होंगे। ऐसे बीबी भी पहली बार देख रहा हूँ जो ऐसे चोर कर दे रही है। धो के ला रही मम्मी के साथ यहाँ पे। आज सुबह का मौसम तो बादल भी छा रखे है, धूप भी लग रखी है। सबसे पहले आप श्री को मेरा प्यार मना प्रणाम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ऐसा आप सभी लोग उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम आज मस्त हूँ। स्वागत है देवभूमि उत्तराखण्ड के चमोली जिले के गंगोल गाँव के इन खूबसूरत वादियों से। तो मम्मी ने बना लिया था नाश्ता सुबह ही, और नाश्ते बनाकर आज करेले की सब्जी। और अभी हम जा रहे हैं पेला, जहाँ हमारी गौशाला है, जहाँ हमारे पहले गाय रहती थी। हमारे गांव में पहाड़ी मकान बस बहुत कम रह चुके हैं, एक दो ही मकान ऐसे देखने को मिलेंगे आपको हमारे गांव में। अभी हम पहुँच चुके हैं गांव के बीचों बीच। रास्ता पूरा 18 किलोमीटर है रुद्रनाथ जी के लिए। रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर में ना आपको मुख्य दर्शन होते हैं महादेव जी के, तो ऐसा जो आपको चित्रण दिख रहा है वो सेम टू सेम वहाँ पर है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में अपनी गौशाला, और हमारी तरह बहुत सारे लोगों की भी यह गौशाला है। रोजाना काम करने के लिए वो यही आते हैं हमेशा। तो दोस्तों आज अपना बचपन याद आ रहा है। अगर आप पहाड़ों से तो आप इसका नाम जरूर बताना क्या है। नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा जरूर करते हैं। तो ये तो हम लोग ना भाई अपने गाँव में बहुत ज्यादा करते थे, और ऐसे शर्म मार के पैटी पैटी आवाज आती थी। ये एकदम जो पहाड़ में रहते होंगे ना पहले, तो उनको पता होगा भाई आप लोग करते होंगे। ये देखो तो ये पहाड़ी चीजों में ना इतने मजे मजे होते थे ना जंगलों में यार। दीपावली भी आने वाली है, और पटाखा दे दूंगी मैं आपको, ये लो पहाड़ी पटाखा है ऐसे वाला, बिना प्रदूषण के। क्यों तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गौशाला, जिसको हम गढ़वाली भाषा में बोलते हैं साई, ससुराल की भाषा में बोलते हैं गोट। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर तक तो दूर है हमारी गौशाला। मेरी पीठ पे मैंने लगा रखा है सोल्टी, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में सोल्टी बोलते हैं। और इसमें हम गोबर घास कुछ भी चीज, पानी के डब्बे कुछ भी लाते हैं हम इसमें। और हमारे यहाँ की गाय बड़ी बड़ी होती है, देसी गाय होती है हमारे यहाँ की। साथ ही हमने अपनी गौशाला में यहाँ पर गोबर चिपका रखा है, गोबर से लिपाई कर रखी पहले तो, फिर इसमें लगा था हमने गोसा, जो कि जब गाय को गर्मी होती है ना शाम के टाइम बाहर निकाले तो उससे गोसा जलाते हैं, ताकि धुआं हो और मक्खी ना खाए गाय को। और अब तो मैडम जी लोगों के पास बिल्कुल भी गाय नहीं है ना। हमारी दो गाय थी, दो बछड़ी, दो छोटी छोटी बच्ची थी, बैल थे, दोनों गाय दूध देती थी 10-10, 12-12 किलो। हे मो वो देखो तुम, देखो तुम्हें ये सांप की इतनी बड़ी खाल है ये, तो सांप ने टूट रखा आधा, आधा यहाँ पर टूट गई। देखो भाई इतना खतरनाक है सांप का खाल है। सांप ने अपनी कांचो छोड़ रखी है, जिसको पहाड़ी में कांचो बोलते हैं और हिंदी में खाल बोलते हैं। और जब चौमास का टाइम आता है, नई पत्तियां आती है, तो उसके बाद उन पर नई खाल आती है, तो ये पुरानी खाल झड़ जाती है, और ये खाल मनुष्य में भी झड़ती है। मनुष्य वाली खाल सांप को दिखाई देती है, और सांप वाली खाल मनुष्य को दिखाई देती है। अगर खाल भी यहीं पे हो तो कीड़ा भी यहीं पे होगा, काटेगा यहाँ पे सब। एक कीड़ो को तो मीक ना काटिया। मुझे डर लग, मुझे डर लग रही है। मम्मी कह गए तू कीड़िया, कीड़ो साई भीतर ये। तो दोस्तों आपको पता होगा ना कि मम्मी का डायलॉग क्या है हमारे पूरी सासू माँ का, सरल 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 स्वभाव की मैं समझ में नागिन बन जाती हूँ टाइम आने में। ये रहा हमारे मैडम जी लोगों का गौशाला। अरे पहाड़ों में गांव घर साइड अगर आप लोग जाते हैं तो सभी लोगों के गौशाला आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। पूरा सांप का यहाँ पर अभी ये खाल है, देखो कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ये देखो भाई यहाँ पर भी एक गौशाला है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पूरे जर्सी गाय होते हैं, इतने बड़े बड़े, ये विशाल गाय। तो दोस्तों जो मैंने अपने गौशाला पे दिखाया था उसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में सोल्टी, और ये रहा कंडी। थोड़ा बहुत आपको बनावर में भी अंदर दिखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा ना अंदर का, और उसमें जो छोटे छोटे छेद है तो सब कुछ अंदर से दिखता है। हम लोग आ गए हैं गौशाला साइड, और मम्मी लोग तो काटने में लगे थे घास। खाली बोला
देवभूमि उत्तराखंड की धड़कने हैं गांव। पहाड़ों में असोज का महीना शुरू हो चुका है, जिसे विक्रम संवत के छठे महीने के तौर पर जाना जाता है। पहाड़ी इलाकों में यह समय खेती और घास की कटाई का होता है, जिसमें महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। यह महीना पहाड़ की महिलाओं के लिए अत्यधिक मेहनत और संघर्ष का समय होता है। काम करते करते पूरा हाथ ही काट दे इन्होंने, लगा लो कट गई है, फिर भी काम करने में लगे पड़े हैं। तो ये होते भाई पहाड़ की नारियां, मतलब काम करना है तो करना है। करने के बाद भी घास काटने को लगे हैं, तो पहाड़ की नारी इतनी मेहनती होती है कि महिलाओं को सलूट कर दियो। एक दो दिन में मैं जाने वाला हूँ घर की ओर, और आज का ब्लॉग मम्मी बनाएगी। मम्मी ठीक है पक्का? चबन सासू माँ भी ऐसी मिले और घर वाले भी ऐसे मिले, ब्लॉग जैसे कैमरा ऑन कर दो, क्या बन बल। हमारे पहाड़ों में आजकल घास की कटाई हो रही है, और देखिए भाई अभी दोनों माँ और बेटी काम में लगे हुए हैं। ये देखिए तो पहाड़ की नारी सब पे भारी। पहाड़ के जो नारियां हैं सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं, और काम काज में तो उससे भी ज्यादा आगे। सासू माँ जी किस प्रकार से अभी काम पे लगी हुई है, और घर वाली भी, तो थोड़ा बहुत हेल्प करना तो बनता है। और साथ में उससे ज़्यादा खतरनाक हमारी दादी जी। दादी जी इतनी बुजुर्ग है, अभी 80 साल की हैं, फिर भी काम करने में लगे पड़े हैं। अम्मा ओ दादी लगी रहा काम अम्मा। अभी मेरी माँ जी का हाथ कट गया भाई, और 2-3 दिन पहले से कटा हुआ था, और दर्द हो रहा उनको, फिर भी काम पर लगे हैं। ऐसे काटते हैं। इस समय में पहाड़ों में हरी घास भरपूर मात्रा में होती है, और महिलाएं महीने भर घास काटने के काम में जुटी रहती हैं। यह घास ठंड के मौसम के लिए सुखाई जाती है और स्टोर किया जाता है। यह कार्य महिलाओं की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आज सासू माँ और मैं दोनों में काम में लगे पड़े हैं। आप भी लोग हाँ, इनको भी बोल रहा हूँ मैं, गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को नहीं बोल ले जाएंगे। तो आजकल हमारे उत्तराखंड में असोज का टाइम है दोस्तों, और असोज का टाइम में ना इतना ज्यादा काम होता हमारे पहाड़ों में, गांव घरों में। घास काटने जा रली मेरे पराणी झूरली, सासुमा घास काटने जा रली मेरे पराणी झूरली, उच डानू में मेरे सुवा घास काटली, परदेश में मेरे गीतु पराण झूरली, शेर सिंह पतराल आला धुर जंगला डानरे, धुर जंगला डानरे, बजला काला झन काटिया कर लरी पोटरे, कर लरी पोटरे, उच डान में नाचो, उच डान में मेरे सासू माँ को नहीं आता नाचना। मजाक मस्ती करते है ना, तब जाके भाई काम में जो थकावट होती है उसका पता भी नहीं चलता है, और काम कितने जल्दी खत्म हो गया वो भी पता नहीं चलता है। वैसे तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हर महीने में मेहनत होती रहती है पहाड़ों में, लेकिन असोज का महीना शुरू होते ही अधिकतर मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग अधिकतर खेतों में ही आपको देखने को मिलते हैं, और घास की कटाई यहाँ पर ज़्यादातर होती है, साथ में सारा घास सुखाकर पशुओं के लिए चारे के रूप में काम आता है। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। चटकती हुई धूप में भी लोगों की मेहनत आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है पहाड़ों में असोज के महीने में। बोलो पागल पागल क्या, ठीक है खड़े खड़े नीचे नहीं आओगे, बात खा मुंड घोज को आज। आप भाग जाके गाड़ी में, आप बॉडी भाग जाके गाड़ी में, मजा आऊंगा। चले गए ऊपर खेत में घास काटने के लिए। घर जाने से पहले मैं जा रही हूँ मूली लेने के लिए, हरी सब्जी लेने के लिए। जो मम्मी के साथ आई जी घास काट थी, उनका गौशाला ये वाला है, और वो यहीं रहती हैं अकेला। वो यहीं पर रहती हैं? हाँ। अकेले? तो उनके हस्बैंड मम्मी पापा नहीं, उनके बच्चे लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी हो गई और अकेली अब। अच्छा, तो यहाँ पर तो सिर्फ आप लोग कह रहे थे आगे पशुए रहते हैं। पशुए रहते हैं, पर वो यहीं रहते हैं पहले से ही। तो आपको मैं उनका घर दिखाती हूँ, आगे पे उनकी गौशाला है, पहले पीछे की साइड से वो रहते हैं। तो चलिए चलते हैं जी, और पूरा ये जगह देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत छोटा वाला गौशाला है, बाहर साइड से तो पूरे पोताई कर रखी है ये गोबर से ही। ऊपर का मकान जो छत देखेंगे वो टीन से बनाया गया है, और साथ ही भाई ये देखो छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पर हैं। और हम यहाँ पर एक दरवाज़ा आपको देखने को मिल सकता है, पूरा छोटा सा दरवाज़ा, कम से कम
4 फीट का होगा और इस प्रकार की कुंडा लगा रखा है, चाबी लगा रखा है हमारे ताई जी ने। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा सा लाइट है भाई, पीले कलर का, तो ये छोटा सा लाइट है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक मोबाइल है, ये मोबाइल यहाँ पर लगा रखा है, कोई टावर आ रहा होगा यहाँ पर, तो ये लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर आई थिंक करी गई है। और इनके खेतों की बात करी जाए तो इनके खेतों में अभी क्या क्या लग रखा है, यहाँ इतना बड़ा भूड़, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बो रखी है ताई जी ने, किचन है छोटा सा और साथ ही यहाँ पर रहते हैं, साथ ही वो यहाँ पर रहती है, एक कमरा है इसमें। तो लाइट की व्यवस्था है या नहीं है? लाइट तो पहले नहीं थी, अभी लगाई। अच्छा, आजकल लगा रखी है, तो लाइट की व्यवस्था और नई पोल लगी ना यहाँ पे, तो लाइट तो चलो भाई यहाँ पर है। और साथ में देखो भाई ये सोलर लाइट भी लगा रखा है, ये बहुत अच्छा कर रखा है भाई, जिसने भी ये करा बहुत अच्छा कर रखा है। पहाड़ों के बुजुर्ग लोग तो खासकर बुग्यालों में गांव घरों में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों में ये वाले टाइम में ककड़ी नहीं खाई तो क्या खाया यार ना, आजकल तो ककड़ियां इतने मजेदार हो रही है। तो दोस्तों ककड़ी को देख रहे होंगे ताजी ताजी, तो थोड़ा बहुत मुंह में पानी आ रहा होगा यार, आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आ रहा होगा ऐसा पति। अच्छा, ऐसे बीबी पहली बार देख रहा हूँ जो ऐसे चोर कर दे रही लोगों के यहाँ से, चोरी देख तो भाग रही थी, चोरी कर, साथ दो कहा चोरी में, साथ दो धोने मैं नहीं जा रहा यार, एक तो दूसरों के वहाँ से ककड़ी चोरी करके पहली बार देख रहा हूँ भयंकर कोई चोर, क्यों कौन करता है यार ककड़ी चोर? पहाड़ के जो पहाड़ी होंगे ना वो करते हैं ककड़ी चोर, पहाड़ी ककड़ी की चोरी। अच्छा, तो इसका कहना ना दोस्तों कि अगर हम लोग पहाड़ों में रहते हैं ककड़ी चोरी करते हैं ना लोगों का तो कुछ नहीं होता, बल ऐसा कहाँ होता है, लेकिन मैंने बचपन में बहुत सारे ककड़ी चोरी थी यार। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है इतने खतरनाक घने जंगलों में। तो गाइज फिर से हमारा मिलन हो चुका है इस खतरनाक घने जंगलों में, फिर से ये लौट आई है एक नए ककड़ी के साथ। तो मेरे बिना धोने के लिए लाए, मेरे बिना रहा नहीं जा रहा हो गया है। क्यों नहीं, मैं अकेला खा सकती इसको है? हाँ। मैं तो केदारनाथ जा रहा था बाबा बनने, जाओ दे जा। दे आधा मैं और दे चीची ला, मैं तोड़ता हूँ। अबे यार अच्छा वाला ये झाड़, ये छोटा मुझे इसको। अभी शाम का समय हो गया है और हमारी मम्मी जी भी आ गई हैं भाई अभी काम करके। मम्मी हम लोगों ने दो ककड़ी चोरी, मैंने तो नहीं, घर वाली मीना ने, पता चल गया था आपको? खाया सब लोग, पता नहीं था। अच्छा, गाली हाली भी दी किसी ने? किसने? आपने? लौकी। अच्छा, ऐसा लौकी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लौकी ऐसे लौकी नहीं बोते हमारे गांव में, लौकी नहीं बोते ना, क्यों नहीं बोते?